हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट एंड कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिवर्सल सेट। बट अगर हम यूनिवर्स का मीनिंग देखें तो यूनिवर्स का मीनिंग है पूरा ब्रह्मांड जिसमें सारा कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट आते हैं। जैसे हम मैंने पहले बात की कि यूनिवर्स क्या चीज़ है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट्स। बाकी इसमें कुछ अपने एलिमेंट्स भी होते हैं। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय यू। यूजुअली हम यू से डिनोट करते हैं, बाकी किसी और लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स ये वाले हैं, एक बी है और एक सी है। अब हम इसका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूनिवर्सल में क्या होता है, बाकी सारे जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स सारे आते हैं यूनिवर्सल सेट में। तो यहाँ पे आप देखिए 1, 2, 3, 4, ये ए सेट के एलिमेंट हम इसमें लिखेंगे। फिर बी वाले में देखिए 3, 4, 5, 3, 4 रिपीट हो रहा है, तो हम दो बार नहीं लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में, नया वाला जो एलिमेंट है 5 वो लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये इसमें लिखा, नया एलिमेंट इसमें आया 5 वो लिखा। अब इसमें देखिए 5 रिपीट हो रहा है, तो 5 को नहीं निकला, नए जो एलिमेंट है 6 और 7 इसको लिखा। ये आपका बन गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, अगला देखिए कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब इसको जरा ध्यान से देखना कि कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, मान लो कोई सेट ए है, हमें इसका कंप्लीमेंट निकालना है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन द यूनिवर्सल सेट यू बट आर नॉट इन सेट ए। अब इसीलिए मैंने आपको पहले यूनिवर्सल सेट बताया कि होता क्या है, क्योंकि इसमें यूज होना था कंप्लीमेंट। जब हम किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करना है, जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है वो उसके आंसर में लिखेंगे, बट कंडीशन क्या है, आर नॉट इन सेट ए। वो एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए, सिर्फ यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। अब द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय ए सी और ए बार और ए डैश। 3 तरीकों से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आपको एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए कि आपने ए का कंप्लीमेंट निकालना है, मैंने यही वाला ए बी और सी और यूनिवर्सल लिया है, इसी को देख के हमें ए का कंप्लीमेंट निकालना है। अभी हमने बोला कि कंप्लीमेंट में ए को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचता है वो कंप्लीमेंट में आएगा। अब ए में कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसमें से 1, 2, 3, 4 को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा यूनिवर्सल सेट में, 5, 6, 7, तो ए के कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 5, 6, 7। अगर आपको बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो बी वाले छोड़ दो, 3, 4 और 5 छोड़ दो, क्या बचा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ा और क्या बचा, 6 और 7। अगर सी का कंप्लीमेंट निकालना है तो 5, 6, 7 को छोड़ दो, तो पहले वाले जो हैं 1, 2, 3, 4 ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।